बच्चों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे चैनल यारालुका डेली क्लासेस में। और बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 के लेक्चर्स कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो बच्चों, अब तक हमने चार लेक्चर्स कर रखा है हमने, है ना। दो लेक्चर्स थ्योरी के थे और दो लेक्चर्स थे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रॉब्लम्स किए थे हम लोग वहां पे। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जितने प्रॉब्लम अच्छे अच्छे थे, एनसीईआरटी के आरडी शर्मा के, वो मैं ले लिया था, है ना, पिछले लेक्चर्स में। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो पहले आप जाके कंप्लीट देख लो, उसके बाद ही आप नए लेक्चर पे आना। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। आज एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स ले लिए हम लोग, है ना, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स। अगले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का देख लेंगे, है ना, एनसीईआरटी देख लेंगे, आरडी शर्मा देख लेंगे, है ना। दोनों मिलाकर के देखता हूं मैं, जो भी बुक होता है देख लेता हूं दोनों को, और जो अच्छे से सवाल होता है वो यहाँ पे डील कर देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सर राहुल गुप्ता, आप देख रहे हैं प्यारा सा चैनल या राहुल गुप्ता डीएनए क्लासेस। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहली बात तो जो सवाल नंबर वन है, एंगल तो आपको याद होगा ही। तो बच्चों साइन थर्टी, ये एक सवाल दिया हुआ है, देख रहे हो ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों साइन थर्टी का वैल्यू आपको ही पता है, कितना रखेंगे, 1/2। चलिए बहुत बढ़िया, टेन 45 1 होता है, और माइनस बच्चों कॉसेक 60। तो कॉसेक 60 याद करने से बेहतर आप साइन 30 याद करो, उसको साइन 60 याद करो, उसको पलट देना। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो ये पलट जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बटा sec 30 कितना होता है बच्चों, sec 30 याद करने से बेहतर है cos 30 याद करो। cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2, पलट दो तो हो जाएगा 2/√3। चलो प्लस cos 60, तो cos 60 कितना होता है बच्चों, cos 60 होता है 1/2, 1/2 होता है ना, और प्लस cot 45 तो 1 होता है। अगर आप ध्यान से समझो तो आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, है ना। एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला टर्म का हो जाएगा एलसीएम 2√3, तो 2 × 2 तो यहां पे आ जाएगा √3 प्लस, है ना, यहां 1/1 है, कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 1/1, तो 1 √3 एलसीएम है तो यहां पे आ जाएगा 2√3। बस एलसीएम ले लिया हमने, और यहां पे √3 × √3 तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा यहां पे। चलिए पूरे का बटा, यहां पे क्या आ जाएगा, फिर से नीचे एलसीएम आ रहा है 2√3, दिख रहा है आपको ये बात, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग, √3 × 2 = 4 हो जाएगा यहां पे, प्लस 2 × 2 तो √3 × √3 हो जाएगा, और यहां पे प्लस हो जाएगा 2√3। चलिए तो एलसीएम ले लिया, देखो ये कट रहा है तो काट देते हैं हम लोग। तो यहां से बच्चों वैल्यू आ जाएगा, तो यहां पे है 1√3 और यहां पे है 2√3। यहां पे क्या है, √3 के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2√3 + √3 कितना हो जाएगा, 3√3। तो यहां पे जो वैल्यू हम लिख सकते हैं इसको, कि ऊपर में है 3√3 और -4, बटा नीचे ध्यान से देखो, यहां भी √3, यहां भी 2√3, 2√3 और √3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3√3 और यहां पे हो जाएगा +4। ये वाला वैल्यू जोड़ दिया हमने। अब बच्चों एक बात इंपॉर्टेंट है, जब भी कभी भी, है ना, नीचे हर में, है ना, अगर नीचे हर में कभी भी, नीचे में कभी भी अगर आपके पास रूट में वैल्यू जाने लगे तो उसका परिमेय करना, परिमेयकरण करना, बड़ा परिमेयकरण करना करना ही पड़ता है हमको। नीचे हमको हमेशा नीचे हमको रूट में नहीं चाहिए वैल्यू, है ना, तो उसको आप रेशनलाइज जरूर कर दीजिए। तो इस वैल्यू का देखो आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हो, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप इस रूट को यहां से हटा दो। ऊपर रूट रहेगा चलेगा, नीचे रूट नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम कर देते हैं परिमेयकरण, है ना। परिमेयकरण करेंगे तो हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करने के लिए हमको इसको हटाना है। देखो ए प्लस बी, यहां पर हम चाहते हैं ए माइनस बी, फॉर्मूला पे टूट जाइए, तो हम इससे इसको गुना कर देते हैं किससे, 3√3 और यहां पे है -4, इसको गुना कर देते हैं किससे, 3√3 और -4, बटा यहां पे क्या, देखो 3√3 + 4, है ना, और यहां पे हो जाएगा 3√3 - 4। देखो ऊपर और नीचे दोनों में हमने 3√3 - 4 और 3√3 - 4 से हमने भागा दे दिया। अच्छा ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, खत्म हो जाएगा, ऐसे किया जाता है परिमेयकरण। बच्चों ऊपर वाला क्या बन रहा है, a - b दो बार है, तो ऊपर वाला लिख सकते हैं हम 3√3 और -4² है ना, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो नीचे वाला हो जाएगा 3√3² a² - b² तो 4² यहां से आप सॉल्व करोगे कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो 3√3² a² + b² -2ab, 2 × 3√3 × 4, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे हो जाएगा 3√3 है ना, तो 3 × 3 = 9 और √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 = 27, तो यहां हो जाएगा 27 - 16। चलिए ऊपर वाला सॉल्व कर ले, तो ऊपर वाला 3√3 का होल स्क्वायर है, तो यहां 27 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 = 27 +16 और माइनस ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 √3, है ना, गुना कर दिए बस हम लोग, 4 × 8 = 24,
और नीचे आ जाएगा 27 में से 16 गया तो 11, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 713 कितना हो रहा है, 13 का 3 और 2 3 43 हो रहा है, 43 माइनस 24 रूट 3 और बटा नीचे हो जाएगा 11, दिख रहा है आपको बोर्ड में, चलिए बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो ये है हमारा सवाल नंबर 1, है ना, सवाल नंबर 1 ये था। आप ये बात याद रखिए, कभी भी नीचे हर में अगर कभी भी रूट में वैल्यू जाने लगे तो उसका आप रेशनलाइजेशन जरूर कीजिए, परिमेयकरण कीजिए, है ना। चलिए तो ये था बच्चों सवाल नंबर, चलिए सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 2 देख रहे हो ना, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो, और देखो नीचे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये वाला वैल्यू आप ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो ये पूरे वैल्यू को तो हम 1 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 31 होने वाला है, है ना। चलिए ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 कॉस 60 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं इसका, प्लस 4 sec 30, sec 30 से बेहतर है आप cos 30 याद करो, तो cos 30 कितना होता है √3/2, पलट दीजिए तो 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा माइनस tan 45 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, सही है, बटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, नीचे तो 1 बन रहा है ना, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 5 गुना 1/4, है ना, ये 1 तो आप खत्म कर सकते हैं हम लोग, प्लस 4 इंटू, देखो 2 दुनी 4 और नीचे में √3 × √3 होगा, तो नीचे ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 1। एलसीएम ले लो 4 3 और 1 का, ये तो 12 आ रहा है एलसीएम देख लो, है ना, तो 4 3 12 तो 5 3 15 हो रहा है, प्लस 3 चौका 12 तो 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा माइनस 12 एकम 12 तो ये 12 हो जा रहा है, 15 में से 12 गया 3 तो 64 और 3 हो जाएगा 67/12 आंसर, है ना, आसान था ये भी सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल नंबर 3 बोल रहा है बच्चों की साइन 2a = 2 साइन है, क्या ये सही है, और a का मान, a के किस मान के लिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, a के किस मान के लिए ये वाला जो दिया हुआ है रिलेशन ये सही है, तो वैल्यू डाल के देख लो ना, बात खत्म हो गया बच्चों। अगर आप यहाँ पे 0 डिग्री डालोगे, एक ही आंसर हो सकता है, चार ऑप्शन तो एक ही आंसर होगा, अगर आप यहाँ 0 डिग्री डालते हो तो यहाँ पे 2 × 0 = 0 हो जाएगा, तो अगर 0 डिग्री डालते हैं तो यहाँ साइन 0 हो जाएगा, साइन और 2 × 2 = 0 तो 2 × 0 तो 0 ही होगा ना, और यहाँ पे 2 sin 0 सही है, तो बच्चों यहां से 2 × 0 = 0 तो यहां से आ जा रहा है ये साइन 0 और ये हो जाएगा 2 × sin 0 कितना होता है 0, साइन 0 = 2 × 0 = 0 तो बिल्कुल सही है, 0 डिग्री के लिए बैठेगा केवल, इसके अलावा आप कुछ भी बैठा हो सब गलत हो जाएगा, है ना। आप यहाँ 30 बैठाओगे तो यहाँ 30 दुना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, जबकि यहाँ 2 sin 30 होगा, ये इक्वल नहीं बैठेगा, 45 के लिए भी सही नहीं है, 60 के लिए भी सही नहीं है, केवल किसके लिए सही है, 0 डिग्री के लिए सही है, तो ऑप्शन ए मारोगे आप, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है बच्चों, अगला सवाल है हमारा 2 tan 30 - 1 tan 30 / 1 - tan² 30, चार ऑप्शन दिए गए हैं, बोल रहा है कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, तो सॉल्व कर लीजिए ना, बात खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू, तो 2 tan 30 है और यहाँ पे बटा है 1 - tan² 30 degree, बहुत बढ़िया, तो 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो यहाँ पे बैठा देते हैं 1/√3 पूरे का बटा 1 माइनस और tan 30 1/√3 तो tan² 30 है ना यहाँ पे, तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये ऊपर आ रहा है 2/√3 और नीचे कितना आ जा रहा है 1 - 1/√3 है ना, 1/3 हो जाएगा, ये √3 का होल स्क्वायर 3 बनेगा ना, तो 1 - 1/3 तो 3 में से एक गया 2/3 बनेगा, मतलब वही लिख सकते हैं हम 2/√3 और पूरे का बटा यहाँ पे हो जाएगा 2/3। इसको अगर आप सॉल्व करने जाए, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पे गुना हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा पलटी खा के, तो 3/2, ये 2 कट रहा है और √3 से ये कटेगा √3 बार में, तो √3 आ रहा है, √3 किसका वैल्यू होता है आप चेक कर लो, tan 60 का होता है √3, अगर आप ध्यान से देखो तो किसका वैल्यू होता है, √3 वैल्यू होता है आपका tan 60 का, अगर tan 60 का होता है तो ऑप्शन हमारा सी होने वाला है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सवाल नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 5 कह रहा है कि अगर tan a प्लस बी का मान √3 है और tan a माइनस बी का मान 1/√3 है, अच्छा कंडीशन दिया हुआ है कि जो a प्लस बी का मान है वो 0 से बड़ा हो सकता है, 90 से छोटा भी हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है, और a हमेशा b से बड़ा है, ये कंडीशन देके रखा है, तो हम सॉल्व करते हैं जो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन क्या है हमारे पास tan a प्लस बी, तो हम पहले आते हैं इसके
सॉल्यूशन वाले पार्ट पे, तो टेन ए प्लस बी आपको पता है कितना दिया हुआ है, टेन ए प्लस बी रूट थ्री दिया हुआ है ना। और इसके अलावा बच्चों यहां पे दिया हुआ है कि टेन ए माइनस बी कितना दिया हुआ है, टेन ए माइनस बी दिया हुआ है वन बटा रूट थ्री। बहुत बढ़िया बच्चों, टेन ए प्लस बी अगर रूट थ्री दिया है तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि टेन ए प्लस बी, और रूट थ्री को लिख सकते हैं टेन सिक्सटी। क्यों? क्योंकि टेन के फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं, एलएचएस में टेन है तो आरएचएस में भी टेन बना दिया हमने। अब टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन सिक्सटी, इसका मतलब यहां से आ गया कि ए प्लस बी इक्वल टू सिक्सटी डिग्री है ना। तो यहां से हमारा एक रिलेशन तो ये बन गया। दूसरा रिलेशन हम यहां से निकाल सकते हैं कि टेन ए माइनस बी जो है वो हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, टेन थर्टी के इक्वल लिख सकते हैं। वन बाय रूट थ्री टेन थर्टी के इक्वल होता है। यहां से रिलेशन आ रहा है कि ए माइनस बी किसके इक्वल हो रहा है, थर्टी डिग्री के इक्वल हो रहा है। इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन टू। दोनों को आप इक्वेट कर दो तो ए प्लस बी कितना है सिक्सटी और ए माइनस बी कितना है थर्टी। ये दोनों कट रहा है, प्लस माइनस घट रहा है, घटा रहे हैं दोनों को। ए ए कितना हो जाएगा टू ए है ना, तो टू ए बराबर सिक्सटी और थर्टी कितना हो रहा है नाइन्टी है ना। तो यहां से ए बराबर आ रहा है नाइन्टी बटा दो, तो यहां से आ रहा है फोर्टी फाइव डिग्री। तो एक आंसर तो आ गया कि ए फोर्टी फाइव डिग्री होगा है ना। एक आंसर तो आ गया कि ए फोर्टी फाइव डिग्री होगा। अगर ए फोर्टी फाइव होगा तो आप देख लो यहां से कि ए प्लस बी कितना होने वाला था, सिक्सटी होने वाला था। इसका मतलब अगर हम बी निकालना चाहें तो बी कितना हो जाएगा सिक्सटी माइनस ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिक्सटी में से आप फोर्टी फाइव निकाल दो या घटा दो तो आंसर आ रहा है पंद्रह डिग्री। दो आंसर आ गए, ए का मान आपका हो जा रहा है पैंतालीस डिग्री और बी का मान बच्चों बन रहा है आपका फिफ्टीन डिग्री है ना। तो बच्चों ये था सवाल नंबर फाइव है ना। चलिए तो बच्चों सवाल नंबर छह जो है वो ट्रू और फॉल्स के बारे में बात कर रहा है ना। तो कौन ट्रू है कौन फॉल्स है ये बताना है बच्चों। सबसे पहला सवाल है कि साइन ए प्लस बी क्या इक्वल है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी के बराबर है। जहां पे ए का मान 30 रखना है और बी का मान 60 रखना है, रख के देख लेते हैं ना दिक्कत क्या है, अपने आप पता चल जाएगा ट्रू फॉल्स। तो पहला की अगर हम बात कर लें तो बच्चों साइन ए प्लस बी की बात कर रहे हैं, तो साइन और ए प्लस बी का मान कितना है 30 प्लस 60 रखना है, तो 30 प्लस 60 रख दिया हमने चलो। और इसको किसके इक्वल करना है, साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन 30 और साथ में साइन 60 के इक्वल करना है। क्या इक्वल है देख लेते हैं, तो साइन 30 प्लस 60 तो 90 होता है, तो इधर तो आया साइन 90 और यहां पे हो रहा है बच्चों साइन 30 एक बटा दो और साइन 60 रूट थ्री बटा टू है ना। साइन 90 कितना होता है वन, तो वन किसके इक्वल हो रहा है, क्या ये जोड़ोगे तो वन आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब बच्चों ये नहीं हो रहा है, ये इसके इक्वल नहीं है, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना। तो पहला क्या है फॉल्स है। दूसरा पे आते हैं सवाल नंबर टू पे, क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस व्हेन थीटा इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाओ, देखो आप साइन जीरो ले लो तो जीरो बनेगा, आप साइन थर्टी ले लो एक बटा दो देखो बढ़ गया, आप साइन पैंतालीस ले लो देखो और बढ़ जाएगा एक बटा रूट टू। पहले आप दो से भागा दे रहे थे, अब रूट टू से भागा दे रहे हो, रूट टू का मान कम होता है तो ये इंक्रीज किया है, साइन फोर्टी फाइव इंक्रीज किया है। वैसे ही साइन सिक्सटी देख लो, रूट थ्री बटा टू, रूट थ्री बटा टू है ना, ये वैल्यू और ज्यादा हो जाएगा इससे, रूट थ्री का मान होता है 1.732 है ना, काट के देखो आप और वैल्यू आएगा ज्यादा। वैसे साइन 91 हो जाता है, तो जीरो से 90 के लिए, जीरो से 90 के लिए साइन थीटा इंक्रीज करता है, बिल्कुल सही बात है ना। तो साइन थीटा इंक्रीजेस फॉर जीरो टू 90 डिग्री, बिल्कुल ट्रू, ट्रू ट्रू लिखेंगे इसके लिए। बी ऑप्शन के लिए हम क्या लिखेंगे कि ट्रू है ये है ना, ये ट्रू है सही है। किसके लिए, जीरो से 90 डिग्री तक के लिए हम बात कर रहे हैं, फॉर जीरो टू 90 डिग्री। चलिए सवाल नंबर तीन पे क्या बोल रहा है कि क्या कॉस थीटा भी इंक्रीज करता है, क्या कॉस थीटा भी इंक्रीज करता है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस व्हेन थीटा इंक्रीजेस, ये गलत बात है। अगर साइन थीटा इंक्रीज करता है तो कॉस थीटा डिक्रीज करता है, तो ये फॉल्स है ना। तीसरा फॉल्स है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, वैल्यू देखो ना, कॉस जीरो वन होता है, कॉस जीरो वन होता है, और अब जैसे आप कॉस थर्टी की बात करने लगोगे तो कॉस थर्टी कितना हो जाता है रूट थ्री बटा टू, ये वैल्यू वन से छोटा है, ये वैल्यू लेस देन वन है, देखो धीरे धीरे घट रहा है वैल्यू। आप और आगे जा लो चले जाओ तो कॉस पैंतालीस वन बटा रूट टू हो जाएगा, ये वैल्यू और घट गया, ये वैल्यू तो और छोटा है, रूट थ्री बटा टू से भी छोटा है ये वैल्यू है ना। तो धीरे धीरे ये वैल्यू घटते जाता है, तो कॉस में ये वाला फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो तीसरा हम लिख सकते हैं कि हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, कौन तीसरा की बात कर रहे हैं, थर्ड सी है ना, हम सी की बात कर रहे हैं। अगर हम डी पे आ जाए, सवाल नंबर डी पे, डी क्या बोल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, गलत है, फिर से फॉल्स, डी भी फॉल्स होगा है ना, डी भी फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों साइन पैंतालीस, ओनली साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर पैंतालीस डिग्री, फॉर थीटा फोर्टी फाइव डिग्री, बस केवल और केवल थीटा 45 डिग्री के लिए बात सही है कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों इक्वल होते हैं, हर एक एंगल के लिए नहीं। ये तो बोल रहा है कि हर एक एंगल के लिए इक्वल होगा, तो बिल्कुल गलत बात है ना, ये तो डी भी गलत है। अब हम बात कर ले सवाल नंबर ई, पांचवें सवाल की है ना। तो सवाल नंबर पांचवें क्या बोल रहा है कि क्या कॉट ए
इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर जीरो डिग्री, बैठा के देख लो कॉट जीरो का मान, बच्चों कॉट जीरो कितना हो जाता है, वन बटा टेन जीरो है ना, वन बटा टेन जीरो, कॉट जीरो का मान याद नहीं है, टेन का तो याद होगा ना, टेन जीरो कितना होता है जीरो, तो वन बटा जीरो, अब वन बटा जीरो तो अनडिफाइन ही होता है, मतलब ये ट्रू है, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, ई वाला जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, नॉट डिफाइन, डिफाइंड नहीं है ये, है ना, इसलिए हम बाद में इन्फिनिटी लिख देते हैं। तो बच्चों ये कुछ रोचक सवाल थे, आपको आने चाहिए ऐसे सवाल, बेसिक सवाल है ये सब, है ना, अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री के एंगल के ये बेसिक सवाल है, कुछ अगले लेक्चर्स में हम लोग और मजेदार सवाल करने वाले हैं इसके, है ना, इसके पार्ट टू में। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।